नमस्कार, मैं हूं वंदना। मेरे साथ हैं शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पवन कुमार गुप्ता जी। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत नमस्कार पवन जी। आजकल एक आंदोलन बहुत जोर शोरों से चल रहा है, हिंदू मंदिर एक्ट। क्या आपको लगता है कि आप अपनी बात सरकार से मनवा लेंगे? बिल्कुल, जो अभी आपने जिक्र किया कि मंदिर एक्ट के लिए आंदोलन चल रहा है, शिवसेना हिंदुस्तान ने सबसे पहले सर्वप्रथम हमने प्रयास किया कि जो हमारे देश भर में ऐतिहासिक हिंदू मंदिर हैं उनके प्रबंध व्यवस्था के लिए एक व्यवस्था की ज़रूरत है। तो शिवसेना हिंदुस्तान ने प्रथम बार राजस्थान में जो पार्टी का पहला अधिवेशन हुआ जयपुर में, उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया कि एक अखिल भारतीय हिंदू मंदिर प्रबंधक एक्ट बनाया जाए। ये एक्ट उसी प्रकार का हो जैसे SGPC का एक्ट 1925 का है और उसी प्रकार से मंदिरों की प्रबंध व्यवस्था हिंदू समाज को मिलनी चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि ये SGPC के एक्ट की तरह होना चाहिए, तो क्या ये SGPC के एक्ट की तर्ज पर ही ये है या कुछ अलग है? क्योंकि हमारे देश में जितने भी समुदाय रह रहे हैं, जितने भी धर्म के लोग रह रहे हैं, उनके जो धार्मिक स्थान है उसका प्रबंध वो खुद देख रहे हैं। और सिख समाज ने भी 1925 से पहले जितने भी गुरुद्वारा सुधार लहर चली उसके तहत उन्होंने आंदोलन किया और आंदोलन का उनका एक ही मकसद था कि गुरुद्वारों की प्रबंध व्यवस्था सिख समाज को मिले। महंतों से उन्होंने कब्जा छुड़ाया और गुरुद्वारों का प्रबंध व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया। हम चाहते हैं कि हमारे देश में एक मॉडल है, वो व्यवस्था प्रणाली है, उसी व्यवस्था प्रणाली की तरह जो संविधान में प्रावधान है कि गुरुद्वारा चुनाव आयोग का निर्माण हुआ पार्लियामेंट के कानून के अनुसार, उसी तरह मंदिर चुनाव आयोग बने, उसी तरह जैसे सिख वोटर लिस्ट सूची बनती है उसी प्रकार हिंदू वोटर लिस्ट बने और उसी तर्ज पे मंदिरों की प्रबंध व्यवस्था हिंदू समाज को सौंपी जाए। जी, जैसा कि अभी आपने बोला कि ये ऐसी एक समिति बननी चाहिए जो कि ये सारा कुछ अपने हाथ में ले और इतना सब कुछ करे। जी, 100 करोड़ हिंदू होने के बावजूद, संघ जैसी बड़ी संस्था होने के बावजूद अब तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझ नहीं पाया कि संघ जैसा एक विचारक आंदोलन जो पूरे देश में चल रहा है और संघ ने बड़े बड़े सुधार के लिए काम किए, लेकिन ये विषय उनके ध्यान में क्यों नहीं आया। मेरी एक बार अशोक सिंघल जी जब जीवित थे, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे भी चर्चा हुई। श्री प्रवीण तोगड़िया जी जो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष थे, उनसे भी चर्चा हुई, लेकिन ये लोग इस विषय को समझ नहीं पाए। और इसका कारण है कि हमारे देश में हिंदू समाज कमजोर होता चला गया और ये विषय शिवसेना हिंदुस्तान ने इसीलिए उठाया है कि हम इसको एक जन आंदोलन की तरह पैदा करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जैसे गुरुद्वारा सुधार लहर चली, जैसे खिलाफत लहर चली, उसी प्रकार हिंदू मंदिर मुक्ति आंदोलन चलना चाहिए। और शिवसेना हिंदुस्तान ये समझ चुकी है कि अगर हिंदू समाज को सुदृढ़ होना है, मजबूत होना है, तो आवश्यक है कि हमारे ऐतिहासिक पौराणिक मंदिर जो हैं वो हिंदू समाज को मिलने चाहिए, हिंदू समाज ही उसका प्रबंध देखे। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए कि श्री वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष जो है राज्यपाल का पद हो और राज्यपाल पे कोई मुस्लिम व्यक्ति बैठे और वो उसकी व्यवस्था देखे। जिनके सेंटीमेंट्स ही नहीं मिलते वो मंदिरों की व्यवस्था और संचालन कैसे कर सकते। तो इसलिए हमने ये अखिल भारतीय हिंदू मंदिर कानून के ऊपर जोर दिया है, उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। मान लीजिए कि सरकार आपकी बात मान लेती है तो उससे एक आम हिंदू को क्या फायदा होगा? केवल आम हिंदू को ही फायदा नहीं होगा, पूरे देश को फायदा होगा। क्योंकि हमारे देश की जितनी अर्थव्यवस्था है, हमारे देश की जितनी GDP है, इनकम है, उसके पैरेलल ये इनकम है जो समाज के हित में खर्च नहीं होती, सीधा सरकार के कोष में चली जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हमारा एक सांसद जो एक गांव गोद ले। हम ये कह रहे हैं कि अगर मंदिर हमारे समाज को मिल जाए, हम गरीबी के उन्मूलन के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए, पेयजल की व्यवस्था के लिए, शिक्षा प्रणाली के लिए ये व्यवस्थाएं कर सकते हैं। एक मंदिर 100 गांवों की स्थिति को सुधार सकता है और मंदिर की आय इतनी है कि अगर हम इसे एकजुट कर दें तो मंदिर की आय भारत सरकार की आय के तकरीबन बराबर होगी। उसी प्रकार जिस प्रकार ये कहा जाता है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की आमदन इनकम पंजाब सरकार के इक्वल है, उसी तरह मंदिरों का आमदन और उसकी आय राष्ट्रीय सरकार यानी भारत सरकार के आय के बराबर है। जी,
आप इसमें कौन कौन से मंदिर शामिल करना चाहेंगे या आप चाहते हैं कि कौन कौन से मंदिर इसके अंदर शामिल हो? शिवसेना हिंदुस्तान का ऐसा मानना है कि हिंदू मंदिर व्यवस्था का जो कानून बने उसके तहत जो ऐतिहासिक पौराणिक मंदिर है, जैसे बनारस में है, मथुरा काशी में है, श्री राम जन्मभूमि का मंदिर है, सिद्धि विनायक जी का मंदिर है, वैष्णो देवी जी का मंदिर है, इसी प्रकार से अपने अमरनाथ जी का गुफा है, ऐसे जो ऐतिहासिक पौराणिक मंदिर हैं वो मंदिर इस कानून के तहत आए और हिंदू समाज अपनी धार्मिक आस्था और व्यवस्था के तहत उसको देखे। जैसे अभी कई विवाद हो जाते हैं, जो लोग इस हिंदू धर्म की रीति रिवाज को नहीं जानते, अनावश्यक विवाद होने के कारण सारे समाज में अस्थिरता फैलती है, वो भी एक इससे दूर होगी। बड़े बड़े मंदिर हैं, जो लोग उनमें काबिज हैं, क्या उनके चंगुल से या यूं कहें कि उनके अधीन जो मंदिर आए हुए हैं उनसे उन मंदिरों को छुड़ाया जा सकता है? बिल्कुल, इतिहास में ये साबित हुआ कि जैसे गुरुद्वारा सुधार लहर को चलाया गया, उसके लिए उसके गुरुद्वारों पे श्री दरबार साहब अमृतसर तरन तारण साहब बहुत बड़े जैतों के बाग का मोर्चा लगा, महंत उस पे काबिज थे, सिख कौम ने बड़े ही संघर्ष से उस आंदोलन को सफलतापूर्वक चलाया, महंतों का कब्जा खत्म हुआ। इसी प्रकार से जो ट्रस्ट जो मंदिर के ऊपर काबिज हैं उनसे भी मुक्ति दिलाई जा सकती है, पर उससे पहले हिंदू समाज को जागृत करना होगा, हिंदू समाज को समझना होगा कि मंदिर की व्यवस्था हिंदू समाज को मिलनी चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं मिलनी चाहिए, तो समाज की ताकत से संभव हो सकेगा कि इन बड़े मंदिरों से उन व्यक्तियों का कब्जा खत्म हो और समाज का उसके ऊपर अधिकार हो। जी, देश के 70 सालों के आजाद होने के बावजूद आज तक जो है ऐसा नहीं हो पाया है, ये अधिनियम अब तक लागू नहीं हो पाया, क्या आपको लगता है कि आप सरकार से अपनी बात मनवा लेंगे? क्या इसमें आप अकेला ही ऐसा करेंगे या अपने साथ और भी लोगों को शामिल करके चलेंगे? नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा ध्येय है। आप जैसे जान रहे हैं कि राम जन्मभूमि के आंदोलन में भी कोई संस्थाएं आई और उन्होंने आंदोलन को रूप दिया और उस आंदोलन में पूरे देश ने हिस्सा लिया, पूरे हिंदू समाज ने हिस्सा लिया और श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन एक जन आंदोलन बना। उसी प्रकार शिवसेना हिंदुस्तान चाहती है कि हमारे मंदिरों की व्यवस्था के प्रबंध के लिए हिंदू समाज को अधिकार मिले, उसके लिए शिवसेना हिंदुस्तान तमाम उन हिंदू संगठनों का आह्वान भी कर रही है, अपील भी कर रही है, हम उन तक पहुंच रहे हैं और हम चाहते हैं कि पूरा हिंदू समाज एकजुट हो और इस आंदोलन को अपना समर्थन दे, इस आंदोलन में सहभाग करें और इसके कारण सरकार को आना पड़े, झुकना पड़े कि इन मंदिरों पे सरकारी ट्रस्टों का कब्जा नहीं होगा। जब मस्जिद पे सरकार का कब्जा नहीं, जब चर्च पे सरकार का कब्जा नहीं, जब गुरुद्वारों पे सरकार का कब्जा नहीं, तो केवल और केवल हिंदू धार्मिक स्थानों पे सरकार का कब्जा क्यों? सरकार द्वारा हमारे धन का उपयोग किया जाता है और हिंदू समाज की बेहतरी और भलाई के लिए, हिंदू मंदिरों के उत्थान के लिए, समाज की बेहतरी के लिए सरकार मौन कर जाती है, तो इसलिए हिंदू समाज को जागृत करेगी शिवसेना हिंदुस्तान और एक बड़ा जन आंदोलन मंदिर मुक्ति आंदोलन के रूप में हम चलाएंगे। इस आंदोलन को लेकर के आप क्या प्रयास कर रहे हैं? शिवसेना हिंदुस्तान ने जब से इस आंदोलन की शुरुआत की है, हम इस आंदोलन को व्यापक रूप से प्रचारित कर रहे हैं, संगोष्ठियां कर रहे हैं, हिंदू संगठन के माध्यमों के सारे माध्यम से हम बात कर रहे हैं और हमने इसके लिए बकायदा एक अखिल भारतीय स्तर पे धरना और प्रदर्शन किया। तमाम जो विभिन्न सांसद हैं हमारे, जहाँ से ये कानून पारित हो सकता है, उन सभी सांसदों को हमने पत्र लिखे, व्यक्तिगत रूप से हम उनसे मिल रहे हैं और क्योंकि ये प्रारूप नया है, ये आंदोलन का विचार नया है, तो हम जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन चुने हुए प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे हैं और हमें ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जिन प्रतिनिधियों से, जनप्रतिनिधियों से हमारी चर्चा हुई, सांसद से चर्चा हुई, विधायकों से चर्चा हुई, वो सब सांसद और विधायकों को ये प्रारूप बहुत पसंद आया और उन्हें इस बात की हैरानी होती है कि ये विचार उनके मन में क्यों नहीं आया। तो शिवसेना हिंदुस्तान इस आंदोलन के प्रति गंभीर है, हम लगभग 22 राज्यों में हमारी शाखाएँ काम कर रही हैं और हम लगातार अपनी राज्य शाखाओं के माध्यम से प्रत्येक चुनाव में अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इसको दर्ज कर रहे हैं और हम मांग कर रहे हैं कि एक अखिल भारतीय हिंदू मंदिर प्रबंधक कानून पार्लियामेंट से पास हो और इस व्यवस्था के तहत हिंदू समाज को ये मिले। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जिन राज्यों में भी मैंने दौरा किया और जिन राज्यों में भी मैंने जनसभाओं के माध्यम से इस कानून की बात की, लोग इस मामले में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं।
जनता इसको बहुत सकारात्मक दृष्टि से देख रही है और हिंदू समाज इसके साथ लगातार जुड़ता जा रहा है। पवन कुमार गुप्ता जी ने हमें ये भी बताया कि सभी हिंदुओं को इकट्ठा होकर एक साथ काम करने की जरूरत है, तो आपसे ये अनुरोध है कि आइए इसमें हिस्सेदार बनिए। मैं भी अपनी ओर से, अपने संगठन की ओर से इस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अखिल भारतीय हिंदू मंदिर एक्ट की भावना को समझा और ये चैनल ने पूरा प्रयास किया अपने मंच के माध्यम से कि देश के लोगों के पास ये मैसेज जाए कि अखिल भारतीय हिंदू मंदिर एक्ट की क्यों आवश्यकता है। और मैं आपके चैनल का आभार व्यक्त करते हुए कि इस दिशा में, इतिहास में आपने एक अहम कड़ी को जोड़ा, मैं आपका और आपके चैनल का बहुत धन्यवाद करता हूँ। पवन कुमार गुप्ता जी अपना कीमती समय निकाल करके हमारे साथ स्टूडियो में आए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।